लेकिन हमारा देश भी बहुत बढ़िया है, हमारा देश बड़ा विकसित है। प्रहलाद जी है, ये प्रिंसिपल है इंटर कॉलेज में, मुझे उस विभाग पे करना चाहता है। एक तो शिक्षा विभाग उसमें सरदार है, चलो है टीचर ही रख लेते, प्रिंसिपल बनाने की क्या जरूरत है, सारी कौम को एक साथ बर्बाद करने को तुल गए। लेकिन हमारा देश भी बड़ा विकसित है जब आपका, और डॉक्टर रोचक टंडन के बैठे होंगे, वो तो डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, लखीमपुर में नर्सिंग होम है, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं, उसमें खोपड़ी रखी दिमाग का चित्र आ गया, और उनके यहाँ तो एक मशीन ऐसी भी जैसे पैर का एक्सरे करते हैं और छाती का एक्सरे बाहर निकलता है। ऐसी ऐसी मशीन है, एक देश भारत ने एक कंप्यूटर बनाया, बहुत बड़ा कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर कि उसमें जो सवाल पूछो उसका तुरंत जवाब आ गया, मतलब आपने सवाल उसमें लिखा नहीं कि तुरंत जवाब तो रखा गया और डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया कि जिसको जो सवाल पूछना हो इस कंप्यूटर से पूछ ले। तो अमेरिका का एक आदमी आया, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने सवाल किया कि चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी और पृथ्वी से सूरज तक की दूरी और सूरज से शनि तक की दूरी और शनि से लेकर के शुक्र तक की दूरी ये कितने किलोमीटर हुई, तुरंत उस पर लिख के आ गया इतने लाख इतने हजार इतने किलोमीटर। जापान का एक वैज्ञानिक आया, उसने सवाल लिखा कि अगर एक के 88 लाख टुकड़े किए जाए एक के तो क्या आएगा, उसने तुरंत बता दिया कि दशमलव कितने इतना आएगा। इंडिया की तरफ से हमारे सरदार मनजीत सिंह थे, भारत को भी सवाल पूछना था, भारत को बताना था कि सवाल का हर जवाब दे देते। इंस्पेक्टर साहब आप भी सुनिएगा, आपको ऐसे सवाल जवाब करने पड़ते हैं, वो चोर नहीं होता लेकिन आप उससे चोर कबूल करवा लेते होता है। तो उसमें कंप्यूटर में सवाल डाला सरदार मनजीत सिंह जी ने, कोई सवाल डाला उस पर लिख के आया छोटा छोटा ढूंढ रहा हूं, फिर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के आने लगा ढूंढ रहा हूं ढूंढ रहा हूं, फिर आधी स्क्रीन पे लिख के आने लगा ढूंढ रहा हूं ढूंढ रहा हूं, फिर पूरी स्क्रीन पे लिख के आने लगा ढूंढ रहा हूं ढूंढ रहा हूं, और अचानक भम से फटा और कंप्यूटर जल गया। परेशान होने का मनजीत भाई आपने क्या सवाल पूछ गए इसमें कि जो कंप्यूटर में फूक गया। बोले सर्वेश भाई कुछ नहीं, हमने सीधा सा सवाल पूछा था, बताओ मेरे अंदर बुद्धि कहाँ पे। आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं देश के बड़े आदि कवि को सरदार।